ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिंग। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या हम ट्रेन में जनरल टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर सकते हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ने से पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों कुछ टाइम पहले ही रेलवे की तरफ से एक न्यूज आया था जिसमें बताया गया था आप लोग जनरल टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्लियर नहीं बताया गया था आप लोग किस डेट से ट्रेन में सफर कर सकते हैं। आज के वीडियो में फुल डिटेल्स में बात करेंगे इसी के रिलेटेड, जनरल टिकट लेकर ट्रेन में आप लोग कब से सफर कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी सारे ऐसे ट्रेन हैं फिलहाल में जो रेलवे की तरफ से चलाए गए हैं, उनमें फिलहाल में जनरल टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये देखना है जिस ट्रेन से आप लोग सफर करना चाह रहे हैं उस ट्रेन में 2S क्लास का बोगी है या फिर नहीं है। तो ये आप लोग सबसे पहले कैसे पता लगा सकते हैं, सिंपल आप लोग IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पे विजिट करना है और जिस ट्रेन में आपको देखना है उस ट्रेन पे क्लिक करना है और वहाँ पे आप चेक कर लेना 2S में बुकिंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यदि 2S क्लास का बुकिंग नहीं हो रहा है तो आप लोग उस ट्रेन में जनरल टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे रेलवे यहाँ पे जनरल बोगी यानी कि 2S क्लास का जो बोगी है उसे रिमूव कर रहा है यानी कि हटा रहा है और इसके बाद उस बोगी को जनरल बोगी में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि जिस बोगी में 2S क्लास का बुकिंग नहीं हो रहा है तो उस ट्रेन में आप लोग जनरल टिकट लेकर बुक कर सकते हैं। और काफी सारे ऐसे ट्रेन हैं जिसमें 2S क्लास का बुकिंग स्टॉप हो चुका है यानी कि बंद हो चुका है और काफी सारे ऐसे ट्रेन है जिसमें 2S क्लास का बुकिंग स्टार्ट है। लेकिन क्लियरली की बात किया जाए कि रेलवे की तरफ से यहाँ पे 1 जून से आप लोग जनरल टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर सकते हैं, किसी प्रकार का आप लोग को प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इससे पहले यदि आप किसी ट्रेन में आप सफर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानकारी ले लेना है कि उस ट्रेन में 2S का बुकिंग स्टार्ट है या फिर नहीं है। स्टार्ट है तो आप लोग जनरल टिकट लेकर ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। उस ट्रेन में यदि स्टार्ट नहीं है तो आप लोग जनरल टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि जनरल टिकट लेकर आप लोग कब से ट्रेन में सफर कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आता तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।